नमस्कार मित्रों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के 16वां पाठ भोर और बरखा, जिसे मीराबाई ने लिखा है, उनके प्रश्न उत्तर याद करने जा रहे हैं। कविता से पहला प्रश्न। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे, लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वह कौन कौन सी बातें कहती है? उत्तर। जैसे हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वैसे ही माँ यशोदा भी कृष्ण से बहुत प्यार करती थी। कविता में माँ यशोदा उन्हें ऐसे शब्द बोलकर उठा रही है ताकि वह उठ जाए। वह कह रही है कि सभी लोगों ने अपनी दिनचर्या शुरू कर दी है। गोपियां दही मथरी हैं, सभी ग्वाल कोलाहल मचा रहे हैं, इसलिए अब तुम भी उठ जाओ। कविता से प्रश्न दो। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। उत्तर दो। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। कविता भोर और बरखा की कवियत्री मीराबाई ने इस पंक्ति से वह यह बताना चाहती हैं कि ग्वाल अपने हाथ में माखन रोटी लीनकर, मतलब हाथ में माखन रोटी लेकर गौवन की रखवाली के लिए निकल चुके हैं। प्रश्न तीन। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। उत्तर। वैसे तो भोर हर जगह सुहावनी होती है, परंतु ब्रज की भोर का तो विशेष महत्व है, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण जी का जन्म स्थल है। इस पद में माँ यशोदा श्री कृष्ण जी को उठाने का प्रयत्न कर रही हैं। वह बता रही हैं कि सभी लोगों ने अपनी दिनचर्या शुरू कर दी है। गोपियां दही मथती हैं, देवी देवता तुम्हारे दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े हैं, सभी ग्वाल बाल अर्थात तुम्हारे साथी जय जय शब्द उचारते हुए माखन रोटी हाथ में लीन कर गौवन की रखवाली के लिए निकल गए हैं। प्रश्न चार। मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? उत्तर। वैसे तो सावन का महीना सबको अच्छा लगता है, परंतु मीराबाई के लिए सावन के महीने का तो विशेष महत्व है। सावन के महीने में कवियत्री मीराबाई को लगता था कि उनके प्रभु श्री गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण उनके घर आ रहे हैं। प्रश्न पांच। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। सावन का महीना सभी को भाता है, परंतु इसमें क्योंकि ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है, सावन के महीने की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सावन में बादल बरसते हैं, इस मौसम में बिजली भी चमकती है, बादल चारों दिशाओं से गरजते हुए आते हैं, बारिश की झड़ी लग जाती है, शीतल अर्थात ठंडी हवाएं भी चलती हैं, जो मन को बहुत भाती हैं। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो जाता है। वह महीने में मन बहुत भावुक भी हो जाता है। सावन ऋतु के माह में मन उमंगों से उबर जाता है। मीराबाई के लिए सावन के महीने का तो विशेष महत्व है, क्योंकि इस माह में उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण जी
उनकी तरफ आ रहे हैं। धन्यवाद मित्रों।